हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टार में। आज देखिए मैथ में पढ़ेंगे ट्रिपलेट्स कैसे निकाले। तो आज इसके लिए धमाकेदार कंसेप्ट और ट्रिक दोनों लेकर के आया हूँ। आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो इसी जोश मोटिवेशन के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बीच बीच में मोटिवेशनल भी मिलेगा। तो आज का वीडियो बहुत ही रोमांच और इंटरेस्टिंग के साथ होने वाला है। तो देखिए, यहाँ से आप थोड़ा झलक जानिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक को 90 डिग्री और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए, यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, यानी कर्ण, हाइपोटेनस यानी एच क्या होता है इसका, फिक्स होता है। अब देखिए, यहाँ से ये नहीं पता है क्या, जो अभी ई लंब होगा कि ए लंब होगा। अभी लंब और आधार में क्या होता है स्टूडेंट को, कन्फ्यूजन होता है। जब तक क्या है, इसको थीटा आप यहाँ रखते हैं इसके लिए क्या होगा, लंब ए होगा। अगर थीटा को यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, लंब ए होगा। तो अभी थीटा क्या है, यहाँ रखे हैं इसके लिए लंब हो गया और इसके लिए क्या हो गया, आधार हो गया यानी बेस हो गया। अब इसको थीटा यहाँ रखते हैं तो इसके लिए क्या होगा, लंब ए होगा, आधार ए हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन दूर हो गया। तो देखिए, यहाँ से क्या होगा, पाइथागोरस पर मैं आप पढ़े हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। जो इसको संतुष्ट कर देगा वही क्या होगा, ट्रिपलेट्स होगा। तो देखिए, यहाँ से पहले हम जानेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए देखेंगे ओनली फॉर क्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या हो गया, विषम संख्या। तो देखिए, यहाँ से क्या होगा, विषम संख्या। अब दोस्तों जानेंगे विषम संख्या होता क्या है। दो नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजल बाय टू इज कॉल्ड ऑड नंबर। क्या हो, दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो। तो देखिए, यहाँ से एक्स बराबर या क्या होगा, एक्स से बड़ा क्या होना चाहिए, तीन, यानी तीन से छोटा वाला के लिए ट्रिपलेट्स क्लियर नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ से अब क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय क्या करेंगे, टू। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू, यानी क्या किया है, एक्स स्क्वायर में क्या किया है, एक बार हटा दिया है, एक बार क्या किया है, सटा दिया है। तो देखिए, यहाँ से मज़ा आ रहा होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तीन, और क्या करेंगे, एक्स बराबर तीन लिए हैं तो फिर तीन का स्क्वायर कितना होगा, नौ, एक घटाएंगे तो आठ, और बट्टे दो करेंगे तो कितना होगा, आठ में दो से भाग देंगे चार। देखिए, यहाँ से फिर क्या करेंगे, एक्स के जगह पर क्या तीन है तो एक्स स्क्वायर तीन का स्क्वायर नौ, एक जोड़ेंगे दस और बट्टे दो क्या होगा, पाँच। तो देखिए, यहाँ से इसका ट्रिपलेट्स यहाँ हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए, यहाँ से तो क्या करेंगे, बड़ा वाला संख्या क्या हो गया, एच हाइपोटेनस हो गया पाँच। और देखिए, यहाँ से अभी दोनों में क्या करेंगे, यहाँ से तो यहाँ चार आप इसको लेते हैं तो तीन इसको ले लीजिए। तो देखिए, यहाँ से क्या होगा, पाँच का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ से चार का स्क्वायर अब प्लस क्या होगा, तीन का स्क्वायर। तो पाँच का स्क्वायर पच्चीस, चार का स्क्वायर क्या होगा, चार का स्क्वायर सोलह, तीन का स्क्वायर नौ। तो पच्चीस बराबर क्या हो गया, पच्चीस, यानी क्या होगा, ट्रिपलेट साबित हो रहा है, एल एच एस बराबर आर एच एस। तो देखिए, यहाँ से जो पानी से नहाते हैं वो लिवाज बदलते हैं, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो देखिए, यहाँ से मेरे मित्रों, तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, यहाँ से आप फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ऑड नंबर कहा गया था सात का भी ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से तो क्या करेंगे, सात का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, उनचास। तो देखिए, यहाँ से आप दूसरा इस पर भी देख सकते हैं ट्रिक, ये भी ट्रिक हो गया और ये अगला भी ट्रिक ये है। तो देखिए, यहाँ से आपको जो सही लगे उस ट्रिक पर काम कीजिएगा। तो क्या करेंगे, बट्टे दो, तो बट्टे जब दो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से चौबीस दशमलव कितना होगा, पाँच होगा। जब चौबीस दशमलव पाँच होगा तो क्या करेंगे, एक बार, एक बार इसमें जीरो दशमलव पाँच को सटाएंगे यानी प्लस करेंगे, एक बार इसमें क्या करेंगे, जीरो दशमलव पाँच को क्या करेंगे, हटाएंगे यानी माइनस करेंगे। तो देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक बार चौबीस दशमलव पाँच में क्या करेंगे, जीरो दशमलव पाँच का प्लस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से पच्चीस होगा, और चौबीस दशमलव पाँच में एक बार क्या करेंगे, जीरो दशमलव पाँच घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ से चौबीस होगा। तो देखिए, यहाँ से ट्रिपलेट क्या बना, यहाँ से सात, यहाँ से चौबीस, और क्या बना, पच्चीस, इसका ट्रिपलेट बन गया।
क्या हो गया, केवल स्पेशल हो गया ऑड नंबर के लिए। तो आप इसका जरूर बना करके 9 का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर देखते हैं हम इवन नंबर के लिए। तो देखिए यहाँ से रख हौसला, मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, स्पेशल फिर चलेगा इवन नंबर के लिए। इवन नंबर देखिए यहाँ से, इवन नंबर क्या हो गया, सम संख्या, क्या हो गया, सम संख्या। तो देखिए यहाँ से इसके लिए हम क्या करेंगे, x बराबर क्या होना चाहिए, x इक्वल टू या क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, x बराबर 6 हो या 6 से बड़ा हो, तो उसका क्या होगा, ट्रिपलेट निकालना संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, जैसे आप ले लीजिए यहाँ से 6 का, जब 6 का करेंगे क्या, तो देखिए इसके लिए डबल ट्रिक है, आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों देखिए। यहाँ से x क्या करेंगे, एक बार x लिखेंगे, एक बार लिखेंगे x स्क्वायर, माइनस का क्या करेंगे इसमें 4 लिखेंगे, अब y क्या करेंगे यहाँ से 4 लिखेंगे, जैसे 6 का स्क्वायर 36, उसमें 4 घटाएंगे क्या होगा, तो देखिए यहाँ से 4 घटाएंगे तो होगा 32। एक बार क्या करेंगे, एक बार हटाए हैं, एक बार क्या करेंगे सटाएंगे, एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या करेंगे 4 बट्टे 4। तो देखिए यहाँ से सबसे सिंपल क्या किया है, तो देखिए यहाँ से एक्स लिखे हैं, एक बार एक्स स्क्वायर में 4 हटाए हैं, 4 से भाग दिए, एक्स स्क्वायर में 4 सटाए हैं, 4 से क्या किए हैं भाग दिए। तो देखिए यहाँ से इसका भी देखेंगे, इस पर रख करके 6 का, तो यहाँ से 6 आ गया, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 4 घटाएंगे तो कितना होगा 32, 32 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 8 चौक 32। यहाँ से फिर देखिए इसका 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 40, 40 में 4 से भाग देंगे क्या होगा 10। यहाँ से ट्रिपलेट्स बन के तैयार हो गया। देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, बड़ा संख्या है कर्ण हो गया, इसका स्क्वायर लिखेंगे यहाँ से, और क्या करेंगे दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यहाँ से 6 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ से 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64, और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 100, और यहाँ से क्या है 110 का स्क्वायर, तो क्या हो गया दोनों बराबर आ गया, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, फिर निकालेंगे हम 8 का, तो एक्स बराबर कितना लेंगे 8। अब 8 का जब क्या करेंगे, एक्स बराबर 8 हो गया, जब इसका वैल्यू रखेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 में 4 घटाएंगे तो 60, 60 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 15। फिर देखिए यहाँ से 8 रखेंगे x की जगह पर क्या होगा 8 का स्क्वायर 64, अब 4 क्या होगा 68, 68 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 17 चौका 68। ये भी एक ट्रिपलेट्स बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। आप इस ट्रिक को अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को जरूर बना करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका ट्रिपलेट्स कितना होगा। तो देखिए यहाँ से अब इससे आपको क्या करते हैं, फास्ट ट्रिक बता रहे हैं। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी से प्यार करो, अगर रात हो तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतज़ार है, बस खुद पर भरोसा और वक्त पर एतबार है। तो देखिए यहाँ से आपको मज़ा आ रहा होगा, बीच बीच में मोटिवेशनल भी मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए इवन और ऑड दोनों के लिए इससे भी फास्ट ट्रिक हम लेकर के आए हैं। तो देखिए यहाँ से इधर क्या होगा, यानी विषम संख्या क्या लिखेंगे, विषम संख्या के लिए, यानी विषम संख्या के लिए हो गया, और इधर लिखेंगे सम संख्या। देखिए यहाँ से फास्ट ट्रिक, जैसे विषम संख्या के लिए क्या है, 3 से क्राइटेरिया था, 3 से स्टार्ट करना, तो क्या करेंगे 3 के लिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, 9 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे कितना होगा 4.5। क्या करेंगे एक बार इसमें क्या करेंगे 0.5 को जोड़ना, क्या करना है एक बार प्लस करेंगे 0.5 को, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे 0.5, यानी एक बार सटाना है एक बार घटाना है।
तो देखिए यहाँ से जब 4.5 में क्या करेंगे, 0.5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट 5 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 4.5 में 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, इवन नंबर का ट्रिप्लेट्स बन के रेडी हो गया, 3, 4 क्या हो गया, 5। आप ऐसे भी 7 का भी करके चेक देख सकते हैं, 9 का भी, 11 का भी, 13 का ऐसे भी करके आप चेक कर सकते हैं हिस्ट्री के माध्यम से। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट आइए क्या, सम संख्या के लिए। तो सम संख्या में क्या करना है, जैसे आप ले लीजिए यहाँ से 6 का देख चुके हैं, 8 का देख चुके हैं, 10 ले लीजिए, यहाँ से 10 का देखिए डायरेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे सिंपल 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 100। यहाँ से क्या होगा, 100। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 100 में 4 से भाग देंगे। याद आपको रखना है बस सिर्फ क्या, जब विषम संख्या होगा तो दूसरे भाग स्क्वायर के बाद, और क्या होगा, सम संख्या होगा तो स्क्वायर के भाग बाद क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। क्या होगा, कट के 25 होगा, यहाँ देखिए कितना होगा, 25। एक बार क्या करेंगे इस 25 में, एक बार क्या करेंगे, 1 का प्लस करेंगे, यानी 1 सटाएंगे, एक बार क्या करेंगे, 1 हटाएंगे। तो देखिए यहाँ से 25 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 26, और 25 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 24। दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, बीच का अंतर 2 का होना चाहिए। आप इस ट्रिक को अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो 14 का ट्रिप्लेट्स निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोड़े नहीं हुआ करते। अब यह ट्रिक कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।